हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप, सस्ते काल नमस्कार आदाब आप सबको। ये मैं सड़क पे निकला था साइकिल लेके, देखो रास्ते में क्या चीज़ दिख गई। ये है हमारे पोस्टमैन भैया का स्कूटर, ठीक है, होंडा कब है ये। तो इसी में ही वो पूरे पूरे जापान में कहीं भी जाओगे तो जापान बैंक जो है या जापान पोस्ट जो है वो इसी तरह के स्कूटर्स में सब कुछ डिलीवर करता है। और हम लोग ऐसे आगे मूव कर रहे हैं, तब तक क्या मिलता है सामने से आता हुआ घोड़ा। ये दिख गया, ये मत घोड़ा अपना, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे बाइकर्स दिख जाते हैं। अब छोटा सा एक और, छोटा तो नहीं, ठीक ठाक सा, मतलब एक साइकिल व्लॉग। अब निकल रहे हैं घूमने को, कहीं बाहर को घूमने तो नहीं, इन द सेंस मतलब मैं जा रहा था बाल कटवाने के लिए। अब सोचा जब बाल कटवाने जा रहे हैं तो इसी बहाने छोटा सा एक व्लॉग भी बना लेंगे। तो ये टी शर्ट अगर देख रहे होगे तो ये टी शर्ट वही टी शर्ट है जो अभी मैं पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, एक कचरे वाली वीडियो मतलब गार्बेज कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, वो वाली वीडियो। तो उसी के बाद वो वीडियो शूट किया है और उसके बाद अब निकल रहे हैं हम लोग बाल कटवाने के लिए। ये कुछ खास चीज नोटिस कर रहे हो? अब देखो ये मेन सड़क है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी सड़क के बगल में छोटा सा एक रास्ता बना रखा है साइकिल चलने के लिए, पैदल चलने के लिए। ये स्पेशली पूरे के पूरे जापान में हर जगह सड़कें इसी तरह बनी हुई हैं कि उनके साइड में आके जगह दे रखी है जहाँ आप साइकिल चला सकते हो, जहाँ पैदल चल सकते हो। ये चीज़ इंडिया में भी लागू करना चाहिए बहुत हाई लेवल पे। यार देखो नहीं है, कहीं नहीं, बहुत कम है, बहुत ही कम है। हाँ तो भाई साहब, हम लोग फाइनली आ गए हैं एक बाबा शॉप के सामने। धूप बहुत जोर की पड़ रही है इसीलिए थोड़ा इसमें खाली होगा, इसलिए मैं इस समय आया भी हूँ। तो बाबा शॉप कैसे पहचानोगे? जापानी तो पढ़ नहीं पाओगे यहाँ पे, कहीं जापानी बोल लिखी है अगर कोई नया बंदा आता है तो पहचानने तरीका यही है जो गोल गोल घूम रहा है मेरे पीछे, देख रहे हो? ये ऐसे हर जगह बने होंगे, जितने भी बाबा शॉप होगा या तो उसे गोल गोल घूमने वाला लगा रखा होगा, नहीं तो एक स्टैंड सा लगा रखा होगा, बस ऐसा सिंपल सा कि ठीक है भैया, ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर यही होगा, रंग यही होगा, सफ़ेद नीला और लाल, ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो US में हम लोग यूज़ करते हैं। US में भी कोई भी बाबा शॉप होगी उसके सामने भी सेम ये पैटर्न रहता है, और जापानी जो है वो US को भयंकर तरीके से फॉलो करते हैं। ये रहा छोटा सा स्टेशन हमारा, रेलवे स्टेशन, इसकी भी सोच रहा हूँ वीडियो बना ही दी जाए एक, कैसा होता है एक गाँव का रेलवे स्टेशन। ये हमारा गाँव ही है, छोटा सा गाँव में ही रहता हूँ मैं कोने में। चलता हूँ मैं अंदर, देखता हूँ वो मुझे शूट करने देंगे कि नहीं देंगे, आई डोंट नो। देखो भैया अपन घुस गए हैं अब अंदर बारबर शॉप के अंदर, ठीक है। अभी मैं निकाल रहा हूँ अपना नोट, क्यों? क्योंकि मुझे टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेना है। और टिकट कौन सा है? जो जिस तरह का कट कटाना है उस तरह का टिकट लेना है। अब देखो मैं नोट कितना डालता हूँ, वो पहला 1000 का नोट, ठीक है, और फिर एक और 1000 का नोट, 2000 के नोट मैंने डाले हैं। अब देखो मैं कौन सा कट क्लिक करूँगा, ये है 1900 येन का, तो मेरा जो आज हेयर कट होगा वो होगा 1900 येन का। उसमें क्या है, हेयर कट है, शैम्पू है और बियर्ड है, ये तीनों चीज़, दाढ़ी भी बनाएगा, वो तीनों चीज़ मिला के तो 1900 येन लगेंगे टोटल मिला के मेरे, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। सोच लो इतनी महंगाई है। तो देख रहा, ये मैं कुर्सी पर बैठ गया यहाँ पे, जो यहाँ मेरे बार्बर हैं जो मेरा बाल काटेंगे। अब यहाँ का जो सेटअप है ना पूरा, ये देखो जैसे, तो ये देखो जो इतना बड़ा शीशा लगा रखा है, और ये देखो बगल में अंकल जी जो हैं ये शील्ड लगा रखे हैं, वही करना है काम तो। अच्छा ये देखो, ये चश्मा रखने का जुगाड़ है इनका, फिर इनका ये सब साबुन वाबुन, यहाँ पे सारी टॉवल रखे हैं, और लगभग लगभग सारा सामान रीच में ही है। और ये जो नीचे देख रहे हो ना पूरा आइटम, ये है बाल धोने का जुगाड़, मतलब सर बाल कटिंग कराने के बाद सर धोने का जुगाड़ है। अभी तो देखो बाल कैसे काटते हैं लोग। अच्छा अब एक चीज़ देखो, इसने चोगा तो पहना रखा है मेरे को, अब ये चोगा भाई ने, इस चोगा मतलब ये जो वाइट रंग का कपड़ा पहना रखा है ना मेरे को ऊपर, तो ये कपड़ा इस तरह से पहना रखा है कि कुर्सी वर्सी सब कुछ कवर करता है, और साथ में उसके ऊपर अगर देखोगे कि ये ब्लू रंग का एक छोटा सा कपड़ा और पहना रखा है मेरे को उसने गले के पास। ये ब्लू रंग का कपड़ा जो है ये जो भी जगह है बच रही है ना, वो सारी की सारी जगह कवर कर दे रहा है, मतलब कम्प्लीटली सील कर दे रहा है, जिससे कोई भी बाल अंदर पीछे की तरफ नहीं घुसेगा। ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है इनका, और लिटरली कोई बाल नहीं घुसता। और इस तरह से ये लोग बाल काटते हैं ना, एक भी बाल अंदर जाता नहीं, कि तुम उठो खड़े हो और तुम्हें जो करना है वो तुम कर दो, ये निकल गया पीछे से तो जो तुम करना है वो तुम कर सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहीं तुम जा रहे हो बाहर,
ठीक है, और बाहर जा रहे हो बाल, अरे भैया बाल कटा लिया, अरे ये सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो तू बाल कटा के आया हो क्या? तो वो वाला हिसाब एकदम भी नहीं रहेगा, मतलब साफ सुथरी तरीके से तुम कहीं भी आ सकते हो, बाल कटाओ तुरंत निकल जाओ कहीं की कहीं भी, ये हिसाब होता है इधर। भैया यहाँ पे इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े उतार, कपड़े नहीं उतारे, मतलब वो चोगा पहनाया था चोगा उतार दिया इन्होंने। अब वो थोड़ी सी वो जो बगल में खत वत साफ करते हैं ना वो साफ करने का, और उसके बाद अब ये करेंगे एक दूसरी तरीके का चीज़, देखना एग्जैक्टली बड़े बड़ा डिफरेंट तरीके का। और देखो ये कपड़े निकाले हैं सब सैनिटाइज हैं सारे के सारे कपड़े, और एक बार यूज़ होगा फिर फेंक देगा, देखो फेंक दिया इसने, ठीक है लिटा दिया। तो ये तरीका है इनका शेव करने का, ये लिटा देते हैं ऐसे और फिर प्रॉपरली शेव करते हैं इस तरह से, जैसे इंडिया में हम लोग बैठ के करते हैं ना शेव, बैठा के करते हैं उस तरह नहीं होता है। देखो अब फिर से अगला सैनिटाइज्ड टॉवल निकाला, अब ये टॉवल इसलिए निकाला जिससे थोड़ा सा मेरा ये बियर्ड जो है थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए, बाकी तो बहुत स्ट्रिक टाइट होती है ना, बहुत हार्ड होती है, इसलिए अब देखो प्रॉपर वो शेविंग करेगा। अच्छा यहाँ पे शेविंग और क्या करते हैं, पूरे माथे के तुम्हारे जितने बाल हैं सब साफ भी कर देते हैं, तो वो भी अलग सा थोड़ा सा फील आता है। तो अभी अगर देखोगे तो हाँ देखो खड़ा कर दिया वापस भाई ने, अब थोड़ा सा वाल वाल बना दिया, सब हो गया क्लियर। अब देखो क्या करने वाला है, ये प्लास्टिक का एक तरह से कपड़ा वो पहनाया मुझे। अब उसके बाद देखो नीचे वो दिखाया था शुरू में डब्बा, वो डब्बा खोला लटक गए मैं, बस ये छुरा ना चलाया ऊपर से, वो बस सब सब बढ़िया है बाकी सब बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब बकायदे बढ़िया शैम्पू से ऐसी ऐसी चीज़ चंपी टाइप करता है बढ़िया एकदम चकाचक, उसके बाद बैठा देगा वापस, फिर वो सब कुछ फिर जो अपना ड्रायर वगैरह यूज़ करना वो सब यूज़ करेगा। तो अभी तो देखो ये था मेरा बाल कटने का पूरा प्रोसेस, जो यहाँ जापान में जिस तरह से बाल काटते हैं वो लोग, 1900 येन में यही पूरा प्रोसेस मिला है मेरे को, पूरी जो सर्विस मिली है वो 1900 येन की यही सर्विस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब इसके बाद फिर वह देखो फिर लेटा दी, अच्छा हाँ याद आया, वो थोड़ा सा थोड़ा जो बची कुची इलाके होते हैं थोड़ा सा वापस देख देख के एक बार को सही सेट कर दें ऐसा करने का साफ होता है अगर देखने का। तो अभी सेट है सब कुछ, ये भाई ने कुछ सैनिटाइजर टाइप का कुछ चीज़ डाली खोपड़े में मेरे, ये हाँ ड्रायर ढूँ ड्रायर चालू, अभी ड्रायर से ठंडा मतलब ठंडा नहीं मतलब बाल बाल का पानी वानी सुखा देगा, सुखाने के बाद बोलेगा बाय बाय। देखो भैया वैक्स वैक्स लगा के भाई ने कर दिया मेरे को सेट, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ तो भाई साहब, अरे महक अच्छी आ रही है। हाँ तो भाई साहब अपन निकल गए, ऐसा कुछ अपना लुक आया है नया, बहुत भारी बाल हो गए थे, वो बाल ख़त्म करने थे कुछ भी करके मेरे को, बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे, मतलब पसीना पसीना एकदम भयंकर सर में गर्मी, डैंड्रफ भी होते थे उससे बहुत ज़्यादा। तो अभी तो फ़िलहाल क्या है हल्का हो गया मैं बाल की मतलब बाल की वजह से बाल कटवा ली, तो अब चलते हैं रूम की तरफ, थोड़ा भूख सी लग रही है कुछ खाने का मन कर रहा है, आओ देखते हैं क्या मिलता है कुछ इधर। हाँ तो भाई साहब मैं वापस रूम पे आ गया हूँ, भूख सी लग रही थी लेकिन मैंने बोला ना भैया रूम पे ही खाएंगे, घर पे बाहर पे नहीं, बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी यार इसलिए चक्कर में मैंने बाहर भी नहीं खाया। तो अब करते हैं इस वीडियो को क्लोज, देखो तुमने देख लिया कैसे यहाँ पे बार बार कटिंग है क्या हिसाब है, और थोड़ा मेरा मास्क निकाल दे थोड़ा सा लुक दिखा दे अपना सुंदर वाला तो अपना लुक बता देना कैसा लगा, ठीक ठाक सा लगा कि ऐसे ऐसा लगा नॉर्मल सा लगा।
ठीक है, करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।